हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप जानेंगे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम का अगला भाग, और ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाएगा जो झारखंड पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड प्रशासनिक सेवा के प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र में लगभग 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो एसपीटी एक्ट से पूछे जाएंगे। इसके पहले के क्लास में मैंने आपको धारा 45 तक पढ़ा रखा है, आज की क्लास में हम लोग उसके आगे के भाग को जानेंगे। और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम का ये मेरा लास्ट क्लास है, और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे झारखंड का आपदा प्रबंधन। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं धारा 46 को। लेकिन इसके पहले मैं एक बार आपको धारा 45 को और भी अच्छे से बता दूं। धारा 45 में क्या लिखा है? डाक मनी ऑर्डर के द्वारा लगान का भुगतान, यानी कि कोई भी रैयत अपने रेंट का भुगतान डाक मनी ऑर्डर के द्वारा कर सकता है। जैसे कि कोई रैयत है, इसको अब रेंट का भुगतान करना है भू स्वामी को, तो ये डाक मनी ऑर्डर के द्वारा इस रेंट का भुगतान वो कर सकता है भू स्वामी के पास। तो यही लिखा हुआ है। देखिए, कोई रैयत अपने भू स्वामी, ग्राम प्रधान या मूल रैयत को डाक मनी ऑर्डर के द्वारा लगान का भुगतान कर सकते हैं। अब धारा 46 में क्या दिया हुआ है? धारा 46 में दिया है ग्राम प्रधान, मूल रैयत या भू स्वामी प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा रखेंगे। प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा जोखा रखेंगे कौन? तो जो भू स्वामी होंगे या फिर ग्राम प्रधान होंगे या मूल रैयत होंगे, इनको रैयत के रेंट का लेखा जोखा रखना ही है। ये धारा 46 में कहा गया है। धारा 47 में कहा गया है कि लगान और उसके ब्याज के लिए रसीद, अगर कोई रैयत लगान देता है और या फिर लगान पर वो ब्याज देता है, तो इसके लिए वो रसीद पाने का हकदार होगा, ऐसा धारा 47 में कहा गया है। रैयत या मूल रैयत लगान या उसका ब्याज अपने भू स्वामी को जमा करेगा, तो भू स्वामी या उसका एजेंट सरकारी पत्र में निशुल्क हस्ताक्षरित रसीद देगा। तो वो एक निशुल्क हस्ताक्षरित रसीद देगा कौन? तो भू स्वामी या फिर उसका एजेंट। किसको देगा? तो रैयत को देगा। कब देगा? तो जब वो लगान या उसका ब्याज का भुगतान जब वो करेगा, लगान या उसका ब्याज का भुगतान जब वो करेगा, तो वो रसीद पाने का हकदार होगा। यदि रसीद की प्राप्ति नहीं हो तो उपायुक्त को इसकी सूचना दी जा सकती है। अगर रसीद नहीं प्राप्त करे किसी कारण से रैयत, तो डिप्टी कमिश्नर जो हैं उनको सूचना दी जा सकती है। धारा 48 में क्या दिया हुआ है? कि रसीदों और लेखे के विवरण के पत्र राज्य सरकार तैयार करेगा। तो यानी कि जो रसीद होगा, रसीद और लेखे का विवरण जो होगा वो कौन तैयार करेगा? तो वो राज्य सरकार तैयार करेगा। उचित लेखे के विवरण और प्रत्यर्पण रसीदों के पत्रों को राज्य सरकार तैयार कराएगी, और ग्राम प्रधान, मूल रैयत, भू स्वामी से विक्रय के लिए अनुमंडल कार्यालय में रखेगी। अगला धारा है धारा 49। इसमें क्या कहा गया है? 49 में देखिए क्या कहा गया है। लगान जोतों पर प्रथम प्रभार होगा, जो रेंट होगा वो जोतों पर, यानी कि जो भूमि होगी उस पर पहला प्रभार होगा। जहां रैयत का जोत हस्तांतरित हो, अगर कोई किसान अपने खेत को हस्तांतरित कर रहा है, किसी और को दे रहे हैं, हो जोत का लगान जो होगा वो जोत का प्रथम प्रभार होगा। यदि जोत या जोत का कोई भाग बकाया लगान के साथ बिक्री कर दिया जाए, तो बिक्री के पूर्व तक खरीदार लगान से मुक्त रहेगा। जब तक बिक्री नहीं हो जाता है, उसके पूर्व तक जो खरीदार है, जो उस भूमि को या उस जोत को खरीद रहा है, तो वो लगान से मुक्त रहेगा, ऐसा कहा गया है धारा 49 में। अगला है धारा 50। धारा 50 में क्या कहा गया है? विशिष्ट कारणों से लगान की कमी। अब किस कारण से जोत पर लगान की कमी की जाती है, अब वो देखिए। राज्य सरकार किसी भी लगान की मतलब किस राज्य सरकार किसी भी लगान की कमी कर सकती है, किसी भी भूमि पर, किसी भी जोत पर लगान की कमी कर सकती है, जिसमें जोत में बालू पड़ जाना, पानी भर जाना या जोत का भू स्वामी सिंचाई की व्यवस्था नहीं करता है, आदि कारणों पर लगान में कमी की जाएगी। तो यहाँ दिया हुआ है कि किन किन कारणों से जोत पर लगान में कमी की जाएगी। तो कारण कौन कौन सा है? तो किसी अगर जोत में बालू पड़ जाए तो लगान में कमी किया जा सकता है,
या जोत में पानी भर जाए, मतलब कि भूमि खेत में अगर पानी भर जाता है तो लगान कम किया जा सकता है, या फिर जोत का भूस्वामी सिंचाई की व्यवस्था नहीं करता है, अगर मतलब अगर खेत में भूस्वामी की जिम्मेदारी होती है वो सिंचाई की व्यवस्था करवाए, तो अगर भूस्वामी सिंचाई की व्यवस्था नहीं करवाता है तो फिर लगान में कमी की जा सकती है। तो ऐसा धारा किस में कहा गया है? तो धारा 50 में कहा गया है। धारा 51 में है लगान कमी की अवधि, कितने समय के लिए लगान की कमी की जाएगी, ऐसा कहा गया धारा 11 में। धारा 12 में दिया हुआ है देय लगान के अतिरिक्त और कुछ रैयत से वसूल करने के लिए भूस्वामी प्रभृति को दंड, मतलब जो लगना है उससे अतिरिक्त पैसा ना भूस्वामी है वो नहीं ले सकता है, यानी कि किसी तरीके का घूस नहीं ले सकता है, या उसके अलावा कोई और कोई अन्य टैक्स या फिर किसी तरह का कोई चीज़ वो अपने तरफ से नहीं लगा सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसको उसको दंड का वो मतलब वो दंड का भागी बनता है। अगर ऐसा वो करता है तो साधारण 6 माह का कैद होगा या उस पर अर्थदंड लगेगा जो ₹500 का हो सकता है। तो ऐसा किस में कहा गया? धारा 52 में कहा गया है। तो देय लगान के अतिरिक्त और कुछ रैयत से वसूल करने के लिए भूस्वामी को दंड मिल सकता है, प्रवृत्त को दंड। अगला है अध्याय 6। अध्याय 6 में क्या दिया हुआ है कि कतिपय प्रयोजनों के लिए भूस्वामी के द्वारा भूमि का अर्जन, किसी प्रयोजन के लिए भूस्वामी किस तरीके से भूमि का अर्जन कर सकता है, कौन कौन से प्रयोजन के लिए, उसका वर्णन किया गया है अध्याय 6 में। लेकिन अध्याय 6 में भी कई धाराएं हैं, क्योंकि आप लोगों को अध्याय 9 तक पढ़ना है और धारा टोटल कितना पढ़ना है, तो 72 धारा पढ़ना है। तो अभी हम लोग छठा अध्याय पढ़ रहे हैं और धारा कौन सा है? 53वां। भवन निर्माण तथा अन्य प्रयोजनों के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन, अगर कोई भवन का निर्माण करना है या फिर कोई और कार्य के लिए भूस्वामी जो है वो भूमि का अर्जन कर सकता है। यदि भूस्वामी जनहित में कोई निर्माण कार्य करना चाहे, अगर वो चाहता है कि अगर यहाँ निर्माण का कार्य होगा तो वहाँ के लोगों का हित होगा, तो अगर ऐसे जैसे कि हॉस्पिटल बनवाना हुआ, विश्वविद्यालय खुलवाना हुआ, इस तरीके के कोई कार्य जो जनहित के हों, तो यदि भूस्वामी जनहित में कोई निर्माण कार्य करना चाहे तो उस पर ग्रामवासियों का समान अधिकार होगा, लेकिन इसके लिए उपायुक्त की यानी कि डिप्टी कमिश्नर की अनुमति लेनी होगी, ऐसा कहा गया धारा 53 में। अध्याय 7 में क्या दिया हुआ है? इसमें न्यायिक प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। इसमें धारा 54 के बारे में दिया हुआ है कि न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में नियमों को बनाने का राज्य सरकार को अधिकार सौंपे गए हैं। अपील और पुनरीक्षण करने का अधिकार रखेगा राज्य सरकार। न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में नियम को बनाने का अधिकार किसके पास है? तो वो राज्य सरकार को ये अधिकार मिला हुआ है। अगला है धारा 55। इसमें क्या दिया हुआ है कि लगान वसूली के लिए, अगर रेंट की वसूली के लिए रैयतों के विरुद्ध उत्तरोत्तर वाद, जो किसान है उनके विरुद्ध किस तरीके से वाद विवाद होगा, उसका लिखा हुआ है धारा 55 में। जब कोई भूस्वामी रैयत के विरुद्ध लगान वसूली के लिए वाद दायर करेगा तो 6 महीने तक दूसरा वाद नहीं कर सकता है। तो 6 माह तक वो कोई दूसरा वाद नहीं कर सकता है, ऐसा कहा गया है धारा 55 में। अगला है धारा 56। इसमें दिया हुआ है निष्कासन यानी कि बेदखली। बेदखली के बारे में किसमें दिया है? धारा 56 में। यदि कोई रैयत को उसके जोत से बेदखल कर दिया गया तो उपायुक्त के न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। तो यदि कोई किसान है, अगर उसको उसके खेत से बेदखल कर दिया जाता है, उसकी ज़मीन से उसको बेदखल कर दिया जाता है, तो उपायुक्त के यानी कि डिप्टी कमिश्नर के न्यायालय में अपील दायर कर सकता है वो। तो ऐसा धारा 56 में कहा गया है। धारा 57 में अपील के बारे में ही दिया हुआ है, किस तरीके से अपील किया जाएगा। उपायुक्त को अपीलीय अधिकार होगा कि वह अपने विवेक और साक्ष्य के अनुसार निर्णय देगा। तो जो उपाय डिप्टी कमिश्नर हैं उनका ये अपीलीय अधिकार है कि वो अपने विवेक से साक्ष्य के अनुसार वो निर्णय देंगे। धारा 58 में क्या दिया हुआ है? दूसरा अपील के बारे में दिया हुआ है। यदि उपायुक्त का अधिकार प्राप्त अनुमंडल पदाधिकारी या अन्य समाहर्ता ने निर्णय दिया है तो उपायुक्त के न्यायालय में दूसरी अपील की जा सकती है। नेक्स्ट है
धारा 59 के बारे में। इसमें क्या दिया हुआ है, पुनरीक्षण। न्याय आदेश का पुनरीक्षण उपायुक्त अथवा आयुक्त के न्यायालय में किया जा सकता है, यानी कि डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर के न्यायालय में न्याय आदेश का पुनरीक्षण किया जा सकता है। जो न्यायिक आदेश दिया गया है उसका फिर से निरीक्षण हो सकता है। कहाँ पर, तो जो डिप्टी कमिश्नर या फिर कमिश्नर का जो न्यायालय है वहाँ। धारा 60 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है पुनरीक्षण के बारे में, उपायुक्त के आदेश का पुनरीक्षण आयुक्त के न्यायालय में किया जा सकता है। तो जो डिप्टी कमिश्नर, अगर वो कोई आदेश देते हैं तो उनका पुनरीक्षण कमिश्नर के न्यायालय में किया जा सकता है, ऐसा धारा 60 में दिया हुआ है। धारा 61 में क्या है, केवल अकेले तकनीकी आधार पर आदेश पुनरीक्षणीय नहीं होगा, कि उपायुक्त के द्वारा पारित आदेश पुनरीक्षण प्रक्रिया में जब तक न्याय की हानि नहीं हुई होगी अपील शून्य होगा। नेक्स्ट है धारा 62, धारा 62 में क्या दिया हुआ है, उपायुक्त एवं उपसमाहर्ताओं पर नियंत्रण, यानी कि डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कलेक्टर पर नियंत्रण, तो उसके बारे में दिया हुआ है किसमें, तो धारा 62 में दिया हुआ है। अपने कर्तव्य के निर्धारण में जो डिप्टी कमिश्नर होंगे वो कमिश्नर के अधीन एवं अन्य उपसमाहर्ता यानी कि अपर डिप्टी कलेक्टर एवं अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि सर्किल ऑफिसर उपायुक्त के अधीन होगी, यानी कि उपायुक्त के अधीन कौन कौन होगा, तो उपायुक्त के अधीन होगा अपर डिप्टी कलेक्टर और सर्किल ऑफिसर, ये किसके अधीन होगा, तो ये डिप्टी कमिश्नर के अधीन होगा, और कमिश्नर के अधीन डिप्टी कलेक्टर होगा, माफ कीजिएगा, डिप्टी कमिश्नर होगा, तो ऐसा कहा गया है धारा 62 में। धारा 63 में क्या दिया हुआ है, वादों पर रोक। किसी आवेदन में जो इस अधिनियम के अनुसार उपायुक्त के द्वारा संज्ञेय हो, यानी कि डिप्टी कमिश्नर के द्वारा अगर कोई वाद संज्ञेय है, इस अधिनियम के अनुसार कोई आवेदन संज्ञेय है, तो उपायुक्त के द्वारा दिए गए आदेश को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपास्त करने, संशोधित करने या खारिज करने के लिए किसी भी न्यायालय में कोई वाद नहीं चलेगा, और इस प्रकार का प्रत्येक आदेश अपील और पुनरीक्षण संबंधित इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहकर अंतिम होगा, ऐसा कहा गया है धारा 63 में। अगला है अध्याय 8, अभी तक आपने अध्याय 7 तक पढ़ा, अब अध्याय 8 में क्या है, लिमिटेशन यानी कि परिसीमा, इसके बारे में दिया गया है अध्याय 8 में। इसमें है धारा 64 के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी कि परिसीमा यानी कि लिमिटेशन का सामान्य नियम। लिमिटेशन का क्या सामान्य नियम है, ये दिया हुआ है अध्याय 8 में। इस अधिनियम के अधीन दिए गए सभी आवेदन यानी जितने भी एप्लीकेशन दिए गए हैं इस अधिनियम के अधीन, जिनके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र कहीं भी लिमिटेशन का कोई अवधि उपबंधित नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो वाद हेतु एक समय सीमा निर्धारित की गई है, तो इसके वाद के लिए एक वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है। फिर से एक बार और रीड कर देती हूँ, देखिए, परिसीमा का सामान्य नियम यानी कि लिमिटेशन का कोई सामान्य नियम है उसके बारे में दे रहा है धारा 64 में। इस अधिनियम के अधीन दिए गए सभी आवेदन जिनके लिए इस अधिनियम में और कहीं भी लिमिटेशन का कोई अवधि उपबंधित नहीं है, तो उसके बाद के लिए एक वर्ष का समय सीमा निर्धारित किया गया है, ऐसा धारा 64 में कहा गया है। अब हम लोग जानेंगे धारा 65 के बारे में। धारा 65 में निष्कासन यानी कि बेदखली के लिए परिसीमा, बेदखली का क्या लिमिटेशन होगा, अभी ऐसा कहा गया धारा 65 में, रैयत के बेदखली संबंधित सीमा जो होगी वो 2 वर्ष है। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं कि रैयत के बेदखली संबंधित सीमा 2 वर्ष है, ये ऐसा किस धारा में मेंशन किया हुआ है, तो धारा 65 में है। तो धारा 66 में क्या है, अपीलों के लिए परिसीमा, आयुक्त के यहाँ अपील के लिए 90 दिन और उपायुक्त के यहाँ अपील के लिए 60 दिन निर्धारित किया गया है। अध्याय 9 में विविध प्रावधानों का वर्णन है, इसमें धारा 67 में दंड के बारे में दिया है,
धारा 68 में भू स्वामी पर सूचना की तामीला के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग धारा 67 को जानेंगे। इसमें दंड का प्रावधान किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसको 3 वर्ष की सजा या 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों, और अपराध जारी रहने की स्थिति में प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये तक की राशि को दंडित किया जाएगा। ऐसा धारा 67 में कहा गया है और दंड में ऐसा विधान है। धारा 68 में क्या दिया हुआ है कि भू स्वामी पर सूचना की तामीला, सूचना की तामीला भू स्वामी का उत्तरदायित्व होगा। ऐसा धारा 68 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है धारा 69, कतिपय भूमि के अधिकार के अर्जन पर रोक। किसी देखिए सरकारी या अन्य सार्वजनिक कार्य चिन्हित भूमि का अर्जन प्रतिबंधित होगा। अगर कोई भूमि सार्वजनिक कार्य के लिए या सरकारी कार्य के लिए चिन्हित किया गया तो उसका अर्जन होगा वो प्रतिबंधित होगा। ऐसा धारा 69 में कहा गया है। अब धारा 70 में जानेंगे हम लोग क्या है। बकायों की वसूली, सभी प्रकार के लगान, ब्याज, हानि, क्षतिपूर्ति की वसूली रूढ़ी एवं रीति के मुताबिक किया जाएगा। तो बकायों की वसूली किस तरीके से होगी, या फिर जितने भी लगान, ब्याज, हानि या क्षतिपूर्ति है इसकी वसूली रूढ़ी और रीति के मुताबिक ही किया जाएगा। धारा 71 में क्या दिया हुआ है, नियम बनाने का अधिकार। नियम बनाने का अधिकार किसको है, तो नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को सुरक्षित रहेगा। और धारा 72 में क्या दिया, विशिष्ट प्रावधानों का परित्राण। संथाल परगना कुछ प्रोविजन किए गए हैं, कुछ नियम, कुछ विशिष्ट प्रावधानों के। तो संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 अन्य नियमों में ऊपर रहेगा। उसके बाद संथाल परगना भूधारण अनुपूरक नियमावली 1950 लागू किया गया। तो धारा 72 में आपने जाना क्या लिखा हुआ है। तो आज की क्लास में SPT एक्ट जो है वो समाप्त हुआ। भूमि से संबंधित कुछ और भी अन्य है, मतलब एक्ट है, और कुछ ऐसे भी प्रावधान किए गए भूमि से संबंधित, जो कुछ बदलाव लाए गए झारखंड के क्षेत्र में। समय समय पर कुछ नए नए एक्ट भी आए हैं, तो उस छोटे बड़े जितने भी एक्ट हैं वो सभी पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न कहाँ से पूछ दिया जाए। तो हम लोग जब झारखंड का आपदा प्रबंधन पढ़ेंगे उसके पहले, एक क्लास पहले, मैं और भी जो भूमि से संबंधित जितने भी अधिनियम हैं तो उसके बारे में शॉर्ट में आपको बता दूंगी और फैक्ट के साथ बताऊंगी। इम्पॉर्टेंट है वो क्लास, तो उसको भी कीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।